मोदी ज्योतिष हैं या उनके पास ईवीएम की चाबी है। पप्पू यादव ने दूसरी पार्टियों से प्रत्याशी लाकर भी चुनाव लड़ाने का आरोप लगाया है। उनको समझ में नहीं आता है, तो ज्योतिष है या उनके पास ईवीएम मशीन की चाबी है तो अलग बात है। यदि मोदी जी आएंगे तो हमको जरा आप बताइए ना, गुजरात का 4 टिकट इनका लौटा दिया, टिकट गुजरात में टिकट लौटा रहे हैं, यूपी में टिकट लौटा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कैंडिडेट नहीं है, कभी सीता सोरेन को ला रहे हैं, कभी आप कांग्रेस से खोरा को ला रहे हैं, कभी आप कांग्रेस से जिंदल को ला रहे हैं, मतलब आप कैंडिडेट को भी मोदी साहब आप अपनी पार्टी का नहीं, 45% लगभग आप कैंडिडेट कांग्रेस के ला करके लड़ा रहे हैं या दूसरे पार्टी से ला के लड़ा रहे हैं। तो गया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और कटिहार से जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। पीएम की रैली में लाखों की संख्या में लोगों के आने की संभावना है और पीएम मोदी यहां 12:10 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद 12:45 पर पूर्णिया के रंगभूमि मैदान पहुंचेंगे, जहां बड़ी जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज पीएम मोदी की 2 जनसभा होने जा रही है। पहली जनसभा जो है गया में होने वाली है और थोड़ी ही देर में सबसे पहले वो गया पहुंचेंगे, जहां एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, और फिर पूर्णिया जाने वाले हैं, जहां पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनसभा करने वाले हैं, जहां पूरी तैयारी कर ली गई।